आज का टॉपिक है हमारा किचन डिजाइन। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेटिंग्स करनी पड़ेगी। यूनिट आप यहाँ पे रखोगे इंजीनियरिंग, ठीक है। आप चाहो तो लिमिट भी सेट कर देते हैं, लिमिट में लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपका 0.0 रहेगा और अपर राइट कॉर्नर में आप देख लीजिए 10 फिट कोमा 8 फिट। अब इस लिमिट को इस वर्किंग एरिया पे अप्लाई करना है तो जेड एंटर, ए एंटर, जूम ऑल। अब आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। सबसे पहले शिफ्ट एट द रेट, इसके बाद आपको पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी 12 फिट कोमा वाई एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी 8 फिट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं कर देता हूं एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कर दो या फिर आप इसकी कॉपी कर सकते हो। अब मेरे को इसकी वॉल क्रिएट करूंगा। ऑफसेट लेंगे और 9 इंच का ऑफसेट आउटसाइड देंगे, इंटर साइड नहीं देंगे। बाहर की साइड देना ना। इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं सीओ से। ठीक अब इसमें से ये दोनों लाइनें आपको ट्रिम करनी है। यहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे आप, उस लाइन की लेंथ रहेगी, इफेक्ट ऑन कर दीजिए, ट्वेंटी 6 इंच। ऑफसेट ले लेंगे 24 इंच का इधर, फिर 24 का और, अब आपको इस लाइन का ऑफसेट करना है, वो करना है 26। पर अभी मेरे को सिर्फ यहां तक ही चाहिए ना, ये हटा दो। अब आपको एक बनाना पड़ेगा पाथ जिसके अकॉर्डिंग आपको ये डिजाइन चाहिए। लाइन एफ एट और रखना है, हाइट कितनी रहती है जमीन जगह में ऊपर हाई। मिनिमम साइज होगी 32 इंच, ध्यान रखना। बस 24 इंच होती, मैं 26 ले रहा हूं, मेरे को चाहिए थिकनेस दे रहा हूँ 2 इंच ऊपर वाले जो लगता है स्टोन। नीचे 1 इंच कम कर दिया 25 इंच, ऐसे नीचे वापस इसको ओवरऑल अभी अभी है 32 जाएंगे तो 29, ऐसे ले लेंगे 24, नीचे 1 और सी एंटर क्लोज। इसको जे एंटर से ज्वाइन किया। अब मेरे को ये वाला कॉर्नर फिलेट करना है तो फिलेट कमांड लगाई, रेडियस में गया, और आपको यहां पर आप फिलेट का अमाउंट देना है, जैसे 20 मैंने 0.25 दे दिया, 0.25 ज्यादा भी दे सकते हो, ठीक है। डेस व्यू SW एंटर। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है 3DR। और इधर से इधर रोटेट करना है, एम एंटर। देखो मैं यहां से भी इसको सीधा स्वीप कर सकता हूं, बट एक फिक्स सेंटर
ये अपने यूज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्वीप ले लेगा, पर हमको जैसे चाहिए ना वैसे चीज नहीं मिलेगा। तो आपको इस ऑब्जेक्ट को एम एंटर करके यहां से उठा के ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आपको एस डब्ल्यू समझ आया, स्वीप करा मैंने ना। देखो मेरे पास एक डिजाइन है इसके अंदर, ठीक है। ये बनाना नहीं ये वाले तो हम चेंज कर सकते बनाएंगे कुछ इसी तरीके का। अब आप इसका हर एक व्यू का मेजरमेंट ले सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा। कितनी हाइट ले रखी है, 2 फिट 9 इंच, कितना हो गया 1224 9, 33 32 33, मैंने बोला था मैंने इतनी होती 32 फिट कम से कम रखते हैं, मैक्सिमम 34 तक से ज्यादा नहीं, ज्यादा 3 फिट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसका ये भी इसने 3 फिट ले रखा है, स्टोन इतना नहीं होता है। ठीक है ना, होता नहीं तो भी सीन 26। ये जो विंडो है ना इसमें सही नहीं लिखी हुई है, इस किचन काउंटर से 6 इंच ऊपर विंडो होगी, 6 इंच ऊपर, क्योंकि अगर इसके लेवल बराबर होगा तो फिर काम नहीं, सब 6 इंच ऊपर होगा। ठीक है, तो वही चीज आपको करनी है। अगर इसे मैं टॉप देखूं इसी इसी किचन का, इतना अंदर से सारी कितनी है, इतनी 14 मतलब 15 फीट, 14 फीट ऐसे दे रखा है। और इधर कितनी ले रही है इसने, यहां तक ही देखना ना, 21 फीट। हम इसे थोड़ा छोटा बना सकते हैं, पर बनाएंगे हमने, आरईसी से बेहतर है ऐसे लेंथ हम ले लेंगे 15 फीट, 15 की जगह 18 फीट भी ले सकते हैं, 16 फीट भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। 16 फीट ऐसे रखा, कोमा लगा दिया और ऐसे हाइट ले लेंगे उसका, 14 फीट ले गए हम, 12 फीट ही जाए, 12 इंच ना, 12 फीट ले इसके अंदर, 11 फीट ऐड करता हूँ। ठीक है, अब इसका ऑफसेट हम अंदर की साइड नहीं बाहर की साइड ही देना पड़ेगा, अंदर की साइड देंगे तो उसका एरिया ओवर कम हो जाएगा हमारा। ऑफसेट लेते हैं हम, आउटर की साइड 9 इंच हो गया,
अब यहां पर आपको सेंटर में एक विंडो देनी है। विंडो की साइज दे देता हूं मैं, 5 फीट दे रहा हूं, तो 30 इंच इधर और 30 इंच इधर। ठीक है, अब आपको पीएल लाइन लेनी है, यहां से तो पूरी टच होती जाएगी। अगर यहां से आपके लाइन है ना पूरी 14 फीट नहीं जाएगी, 16 फीट। यहां पर हम ले लेंगे 2 फीट का मानते हैं, तो हम इसको ले लेंगे 14 फीट तक, इतना ही रखना है। इस लाइन सेलेक्ट रखो और आप आइसोलेट कर दो। अब आपको यहां पर एक 2D क्रिएट करना है, आप पीएल कमांड से सीधा ही ले लो, 32 इधर, हम 26 2 इंच इधर ले लेते हैं हम, वैसे कितना लेना है? 29, इधर हो जाएगा 24, नीचे भर और सी एंटर, क्लोज। ये पूरा सिंगल ही बनेगा क्योंकि पॉलीलाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट है। अब आपको फिलेट लगाना है और इसके अंदर रेडियस देनी है आपको, आप रेडियस ज्यादा दे दीजिए, 1 दे दीजिए। ये राउंड शेप में दे आपको, है ना। अब आप क्या करो, डेस्क व्यू में जाओ, अब उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो रोटेट 3D से भी कर दूंगा, 3DR से भी कर दूंगा। एम एंटर मूव, एस डब्ल्यू एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर थ्री। ठीक है, अब मैं अनहाइड कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं हाइड कर रहा हूं। अब यहां पर मैं इसकी बॉक्स क्रिएट करूंगा, हाइट 10 फीट। ये वाला बॉक्स है ना, आपको ये वाला बॉक्स की विंडो हाइट है वो बराबरी का 4 फीट हाइट रहेगी, बट ये 4 इंच ही होगी। ये जो मूव होगी ना, सॉरी, ये जो मूव करेंगे इसको हम करेंगे 42 इंच मूव, 32 इंच वो होगी, 4 इंच की स्कर्टिंग आ जाएगी, 36 इंच हो गया, 6 इंच ऊपर लेना, 6 इंच से ऊपर होगी। अब सब्ट्रैक्ट करो, ये वाली वर्ड अभी डिलीट कर दो, वैसे ये नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली बहुत हमारे काम आ जाएगी। ठीक है, ये वाला वैसे रेक्टेंगल है तो ये तो एक्सट्रूड ही हो जाएगा आपके 6 इंच ग्रिड। आप
किचन काउंटर था, उसको आप अनहाइड करें। ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट को आप यहां से उठाएंगे 4 इंच। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट था इसको सेलेक्ट करके आप कमांड लगा दीजिए आइसोलेट प्लान ट्रिम। ऑफसेट बॉक्स लगा दो। ठीक ठीक है, अब आपको इसको यूएनआई करना है, अनहाइड करना है। यहां पर जो ये एरिया आ रहा है ना, यहां पर आपको फ्रिज आएगा। ठीक है, तो अब इस किचन काउंटर को रखिए और आइसोलेट कर दीजिए। अब आपको यहां पर यूज करना है यूसीएस, एंटर। यूसीएस के अंदर आपको यहां पर 3P कमांड यूज आएगी। एक्स इधर, वाई ऊपर, F7 दबा दो। ग्रिड देखो इससे स्ट्रेट खड़ी हो गई है ना। अब आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना है REC। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को आपको एक्सट्रूड करना है, EXT एक्सट्रूड 1 इंच। अब आप यूसीएस कमांड लगाओ और एंटर एंटर 2 बार कर दीजिए। अब कमांड लगानी है सी और एंटर कॉपी। बेस पॉइंट दे दें, ए एंटर करें, और 6 आइटम दिए मैंने। डिस्टेंस दे रहा हूं मैं 25 इंच का। ठीक है, आप कम भी रख सकते हो 25 इंच का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये और ये भी काउंट होगा साथ में ना। किसी सिंगल सिंगल कॉपी करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डैश व्यू करके मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ। चलो मान, सॉरी लेफ्ट व्यू, लेफ्ट नहीं राइट व्यू में जाएंगे ना वैसे, पर अब देखो कि हम इसके अकॉर्डिंग जाते हैं। यहां से ये फ्रंट है, ये लेफ्ट है, तो राइट व्यू में जाना। VS entered, 2 entered, 2D।
ए एंटर आइटम में सेवन दे दो आपकी वगैरह, और इसमें क्वेश्चन आता है फिट। ये ऑब्जेक्ट सब में बराबर गए थे, एक में कम ज्यादा नहीं, फिट कर देंगे। टेस्ट व्यू एस डब्ल्यू एंटर सेट लगा दो। सेम का सेम इधर से भी होगा, और मेरे को ये एरिया इसी के अंदर अंदर आपको प्लान में चाहिए। आप पहले यूसीएस एंटर एंटर किया, आप प्लान में गया, मैं वीएस एंटर टू एंटर टू डी वायर फ्रेम। अब ये मेजरमेंट आप देखिए डी आई डी कमांड से, इतना कि यहाँ कितना है 2 फीट, और ऐसे हैं 1 फीट 6 18 इंच। एक रेक्टेंगल ले लेंगे आप इसी कॉर्नर से, मिड तो यहाँ आ रहा है, और अब इस मिड पॉइंट से ही आपको इधर लेना है 6 इंच, इस पर रहना 18 18 का। सेलेक्ट करके एम एंटर कर दोगे, इधर चल देंगे हम 3 इंच। इसका ऑफसेट करता हूं 1 इंच का, इस वाले को डिलीट कर दिया। अब इसका ऑफसेट करता हूं वापस 1 इंच का, बट अब इसको पहले फिलेट कर दूंगा मैं। सेलेक्ट आइसोलेट, ये फिलेट हो गया। ऑफसेट करेंगे इसका 1 इंच का। अब डेस व्यू सिर्फ इसकी इसकी एक कॉपी करनी है सीओ से। और आपको क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट ये वाला दिख रहा है ना, इसको आपको एक्सट्रूड करना है। रैंडम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनहाइड करो आप। अब कमांड लगानी है एस यू सेलेक्ट एंटर लेफ्ट एंटर, इसमें से ये खाली हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, एक्सट्रूड करोगे 14 इंच। कमांड लगाओगे इसके अंदर सॉलिड एडिट, बॉडी सेल पूरा सेलेक्ट टॉप सेलेक्ट एंटर 1 इंच एंटर। ज्यादा इसकी ये तो ऐसे डेप्थ दिखे तो कौन कर सकते हो, ठीक है। मैंने वो जो 14 इंच ले रखा था, आप 2 इंच कम कर दो। अब इसमें ये जो इसको इसको रखते हैं और आइसोलेट कर देते हैं वापस, फिलेट कमांड, रेडियस दे दीजिए आप 0.5 दे देते हैं एक बार। बट इसमें फिलेट कमांड नहीं लगेगी, इसमें फिलेट एज लगेगा जो बता रखी है।
ये सब के सब आपको इस तरीके से प्रिजेक्ट करना है। अब आपको जो भी आपने हाइड कर रखा है उस पूरे को अनहाइड करते हैं। इसको और इसको सेलेक्ट रखें और आइसोलेट लगाएं। सेलेक्ट एम एंटर। अब ऊपर लगेगा ये थोड़ा नीचे लगे मेरे से ना। इसको ऊपर ले लेना, मैं हो रहा है इसमें। ये चीज इसमें आपको विंडो आपके बना के लानी है और इधर वाले ये वाले सेम टू सेम आपको बना के लाने हैं। ठीक है, तो ये पूरा करके लाओगे तो ही नेक्स्ट क्लास आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो इतना ही बेटर होगा आप यहीं पे।